गंगापुरी के महलों के दालान पर आदि सोने के बने सब कुछ ऐसा बना है, और उसके बाहरी दरवाजे वैदुर्य मणि के, वह पूरी बहुत ही रमणीय है। खासी घोड़े और रथों से वहाँ की सड़कें भरी रहती है, बाकी वादी के वादियों की ध्वनि गूंजा करती है। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है, नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उसी पुरी में चलकर निवास करो, चलो चलो। मनस्विनी, वहां रहकर तुम माधवी स्त्रियों को भूल जाओगी। अरे क्या, तुम्हें लोग सिर्फ साथ रहती हो कलियों के साथ, रहो मेरी साथ। सुंदरी, लंका में दिव्य और मानुष भोग का उपयोग करती हुई तुम उस मनुष्य राम का कभी स्मरण नहीं करोगी जिसकी आयु अब समाप्त हो। आयु किसका समाप्त होने वाला है? किसका आयु समाप्त उसको लग रहा है? विशाल लोचने राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राज्य ब्रज बुद्धि एवं तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर क्या करोगी रे? हाँ, कभी पिज्जा पास्ता नहीं खिलाएगा, फल फूल खिलाएगा केवल, वो भी और कभी तुम वो रेस्टोरेंट होटल में ले जाएगा, समझ रहे? कहाँ सोना पड़ेगा, ब्लैक मेट में, समझ रही है? वर्ड कुटीर में रहना पड़ेगा, अरे सोने में तुमको तोल दूंगा, चल मेरे साथ। यह राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम इसकी रक्षा करो। डर पे आया सेरा बाली, गुजरे मुझे इसे बल से चाहो। अरे मैं आया हूँ भीख मांगने, कृपा कर दो, यह काम देव के बाणों से पीड़ित है। क्या रोग है मुझे? काम देव के बाणों से, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे सीते, मुझे ठुकराकर तुम उसी प्रकार पश्चाताप करोगी जैसे पुनर्वा को लात मारकर उर्वशी पछता रही। अरे सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जाति राम मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है। आई तुम्हारे भाग्य से मैं आया हूँ, मुझे स्वीकार करो। सीता जी एकदम गुस्सा हो गई और कठोर वाणी में बोली, अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदनीय, तूने अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है? जिनका तुझे सत्कार, जिनका तुझ जैसा क्रूर दुर्बुद्धि और अचिंत्य राजा है, वे सभी राष्ट्र अवश्य नष्ट हो जाएंगे। इंद्र की पत्नी सती का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी सीता का अपहरण करके कोई कुशल से नहीं रह सक। वजधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भारिया सती का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत पी अमृत भी पी ले तभी तू जीते जी छुटकारा नहीं पा पाए। अब सीता का अपहरण हो रहा है, सीता रो रही है और जटायु उसका दर्शन। हम लोग जटायु का प्लेस में आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय, ध्यान से सुनिए। अभी कुछ ही देर में हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? इंटरनेट बहुत डेंजरस है, दिखाएगा कुछ और पहुँचा देगा। तो जो जगह पे हम जाना चाहते हैं, जो फोटोज है वो वहाँ पर भी डाल रहे हैं, दूसरा जगह पे भी डाल पे, और हम सोचे वही होगा, समझ रहे? जो वहाँ पर ओरिजिनल यहाँ पर है फोटो, ले फोटो में उसका वहाँ पर भी दे दिया, समझ रहे? तब वहाँ की जैसे बंद करे तो और सब दूर चले जाते। सीता के इस वचन को सुनकर प्रतापी दशमुख रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। क्या कर लिया? वह बातचीत करने की कला जानता था, उसने विद्वेष पाई सीता से फिर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी। इतना ग्लोरिफिकेशन किया फिर भी तुम समझ नहीं आ रहे थे। अरे मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले सकता हूँ। बीच बीच में उसका हरिबोल हुआ था रावण का,
लेकिन फिर भी भूल जाता था। जब कैलाश गया था तो कैलाश से उठाने लगा, शिव जी हल्का पाँव दबा दिए तो फिर 1000 साल तक रो रहा था। तो प्यूरिफिकेशन मिला था लेकिन भूल जाता था। समझ गए? अरे मैं आकाश में खड़ा हूँ, इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले सकता, पूरी पृथ्वी उठा लूंगा, और कैलाश नहीं उठा पाया। समुद्र को पी सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ, आदमी डिग हाँकता जाने फेंकते थे, पृथ्वी उठा दूंगा समुद्र पी जाऊंगा, और युद्ध में स्थित हो मौत को भी मार सकता हूँ। काम तथा रूप से उन्मत्त रहने वाली नारी, यदि चाहूँ तो तुझे तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यतीत कर दूँ और इस भूतकल को विदीर्ण कर डालू, मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हूँ, तो मेरी ओर देखो। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें, जिसके प्रांत भाग काले थे, जलती आंखें सवाल लाल हो गई। कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा और काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। उस समय उसके रेत लाल हो गए और महान क्रोध से आविष्ट हो नील मेघ के समान काला दिखाई देने लगा। और उसके कितने हाथ हो गए? अब 20। तो बुक कितने हो गए? उस समय राक्षस राज रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह स्त्री रत्न सीता की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। काले केस वाली मैत्री वस्त्र वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सूर्य की प्रभाई जान पड़ती थी। रावण ने उसे कहा, ए सुंदर स्त्री वरोर रे, यदि तुम तीनों लोक में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो, मैं ही पति बनी गई हूँ, मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो, मैं तुम्हारे लिए सुप्रिय एवं प्रशंसित पति होगा तथा कभी तुम्हारे मन के पति को कोई बर्ताव नहीं करूँगा, पर उस राम के विषय में तो जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो, मुझसे स्नेह करो, अपने को पंडित मानने वाली मूढ़धारी जो राज्य से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राम में किन गुणों के कारण तुम अनुराग हो, काहे के पगला गए राम के पीछे? जो एक स्त्री के कहने से सुहृदों सहित सारे राज का त्याग करके इस हिंसक जंतुओं के सीमित वन में निवास करता है, उसकी बुद्धि कैसी खोटी है? जो प्रिय वचन सुनने के योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी, उन मिथिलेश सीता ने ऐसे अप्रिय वचन सुनकर काम से मोहित हुए उस अत्यंत दुष्टात्मा राक्षस रावण के निकट जाकर सीता को पकड़ लिया। मानो बूंद से बूंद ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ देगा दुस्साहस। तो यहाँ पर तो लक्ष्मण रेखा कोई वर्णन तो दो रामायण है, एक है वाल्मीकि कृत और एक है तुलसी कृत, दोनों ही बोनाफाइड माना गया है, समझ रहे हैं? तो वाल्मीकि वाला का ज़्यादा बोनाफाइड माना गया, तो इसमें कुछ चीज़ें उसमें इसमें मोस्टली 99% चीज़ सेम है, 1% कुछ कुछ जगह पे भेद भी हो सकता है, समझ रहे हैं? जब सीता का अपहरण हुआ तो वाल्मीकि रामायण में बताया कि ओरिजिनल सीता का अपहरण, ओरिजिनल सीता को अग्निदेव में प्रवेश कर गई, रियल लीला उसमें नहीं दिया तुलसी कृत रामायण, समझ रहे? तो हो सकता है तुलसी कृत में दिया हो कि सीता लक्ष्मण रेखा खींचा हो, तो थोड़ा वेरिएशन है लेकिन मोटा मोटी। जब दो ऑथर केमिस्ट्री का बुक लगते हैं ऑर्गेनिक का तो मोटा मोटी बैजी रूजी सब सेवे समझा दो, लेकिन थोड़ा बहुत उनका डिफरेंस। तो वैसे लीला दो तरीके समझे सकते, एक है कि दो तरह कैसे समझ सकते हैं, कल्प भेद से समझ सकते हैं कि कभी कभी वो लोग कोर्ट करते समय कल्प में अलग अलग, ये हर बार राम जी का हर कल्प में जन्म होता है, तो इस कल्प में थोड़ा सा अलग हो, अलग पिछले कल्प में थोड़ा अलग, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा है कि क्या नितिन सो रहा है कि जाग रहा है, उठ जाओ मतलब थोड़ा सा सीधे हो जाओ, ठीक है ना, बस ठीक है। तो दूसरा है, एक और ड्यूटी समझा रहे थे कि हो सकता दोनों सेम चीज को समझा रहे हो,
जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं कहाँ, डिस्टा कैब, तो डिस्टा कैब का कोई हम लोग का बुक लिखा, कोई बुक लिखा है डिस्टा कैब पे, वो अभी डिस्क्राइब कर रहा है कि हम लोग यहाँ से कहाँ गए, जटायु के स्थान जा रहे हैं। अब उसमें कोई बोलेगा भुजिया खाने का वर्णन कर, किसका वर्णन कर रहा है, सही है कि गलत है, कि नहीं, कोई वर्णन कर रहा है कि बिलायती बैब का वर्णन कर, समझ रहे, कोई उसमें डिस्कशन कर रहा है कि बहुजे सुकुमार को पूछा था कि क्या बोलते हैं क्या होगा, समझ रहे, तो बहुत सारी चीज हुई है, तो अलग अलग ऑथर कुछ एस्पेक्ट्स को लिखते हैं, अब सब कुछ को कैसे लिखेंगे, समझ रहे, अब सो क्या कर रहा है, उड़ो, सो गया मेरा प्रेम से ना। तो अलग अलग ऑथर दोनों ही सही है, अलग अलग एस्पेक्ट्स को बता, तो लक्ष्मण रेखा भी खींचा, वो उसके बारे में एलिब्रेट भाई कर, तो लीला तो बहुत साथ लंबा है, सब कुछ को समझ रहे, क्या हो सकता है कल को भेद हो, जैसे आप ट्रेन से हम लोग यहाँ से गए, कोई लिखेगा भुजिया खाने वाला, समझ रहे, हम लोग ट्रैवलिंग करते भुजिया खाएंगे नहीं, और कोई बोलेगा कि हम लोग जाते समय क्या किए, भूख पड़े, दोनों ही सही, भुजिया भी खाया और भूख भी पड़े, बोले भूजी आप तो आधा घंटा पड़े भूख, मतलब एक दो घंटा जाने वाला, दो घंटा भूख ही पड़े, तो दो घंटा पड़े पसा दो, पाँच मिनट खा लेते मोटा मोटी टाइम, उसमें इस प्रकार समझ आया, ओके दोस्तों, क्या क्या सीता को पकड़ लिया है, चले सीधा हो जाओ, नहीं तो फिर तू कोई पकड़ लेगी भाया, सीधा हो जाओ, सीधा सीधा टेढ़ा रहेगा तो 50% चार्ज से भाया पूरा लॉक कर। तो उसने क्या क्या किसको पकड़ लिया, रावण ने सीता को, हाँ अपने बाएं हाथ से पकड़ा है, इसलिए छोटा बाल रखना अच्छा है, बाया पकड़े नहीं पाए ऊपर से, समझ रहे, इसका बाल भी छोटा ही ज्यादा है, बड़ा बाल वाला है, ओ हम छिला रहे हैं, छिला, हां वेरी गुड, रावण के प्रकोप से बच रहा है तो छोटा बाल ही, तो बाया कैसे पकड़ता आपको, बालों के थ्रू, तो रावण ने क्या किया, छोटा पकड़ लिया, बाएं हाथ से कमल ले ली सीता के केशों सहित बस्तक को पकड़ लिया, तथा दाहिना हाथ उसके दोनों जांघों के नीचे लगाकर उसके द्वारा उसे उठा, इधर से उठा लिया, उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान पतित होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग चले, से गधों से जुटा हुआ और गधों से सवार ही शब्द करने वाला रावण का विशाल स्वरूप माया निर्मित दिव्य रथ वहां दिखाई दिया, रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाला रावण ने कठोर वचनों द्वारा सीता को डांटा और उसे गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा दिया, रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो गई और वन में दूर गए हुए रामचंद्र को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने, क्या पुकारने लगी, हे राम, हे राम, हे राम। तो बाया हम लोग को पकड़ दे तो क्या करना चाहिए, हे राम। लेकिन बाया पकड़ने के लिए ऐसा करना चाहिए, बाया पकड़े उसे रोज बढ़िया से जप करेंगे, बढ़िया साधना करेंगे तो बाया पकड़ेगा, इसमें बाया पकड़ने के बाद एक साल लगेगा, सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, वे उसकी ओर से सर्वदा विरक्त थी और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी, उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला, राक्षस राज जब सीता को हरकर आकाश मार्ग से ले जाने लगा तब उसका चित्त भ्रमित हो उठा, वे पगली सी हो गई और दुख से आतुर होकर जोर जोर से विलाप करने लगी, महाबाहु लक्ष्मण तू गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो, इस समय इच्छा अनुरूप
रूप धारण कर कर राक्षस तुझे हर कर ले जा रहे कि तुम्हें इसका पता नहीं है। हे रघुनंदन, आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। राक्षस तुझे अधर्म पूर्वक हर के लिए जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते। तब उसने लक्ष्मण का अपराध किया तो तभी देख सर। कोई बोल सकता सीता भैया तो भगवान की प्रिया थी, उनको कैसे सब लग सकती है। पॉइंट लीला में भगवान हम लोग सिखाने के लिए सब शत्रुओं को संताप देने वाले आर्यपुत्र, आप तो कुमार पर चलने वाले उलट पुसो दंड देकर उठे राम पर लाने वाले हैं, फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते। उलट पुरुष के उलट पूर्वक कर्म का फल तत्काल मिलता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है। जैसा कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की अपेक्षा हो, तो यह बहुत अच्छा पॉइंट है कि ऐसा नहीं कि हम लोग खेती को डाल दें तुरंत, पर टाइम लगता है। वैसे फलों का रिजल्ट आने में थोड़ा सा कभी कभी क्या लगता है टाइम, तुरंत देखा एक फल नहीं। सीता भैया क्या बोल रहे, तुरंत आए, लेकिन आएगा जो रावण गड़बड़ कर रहा है एक साल में उसको रिजल्ट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन ड्यूटी यही फेस आता है कि वो लोग पॉजिटिव को देखते, जो धर्म अगर आपका धर्म पॉजिटिव है देखते देखो अच्छा, लेकिन जो दानव लोग होते हैं वो तुरंत देखो अभी तुरंत रिजल्ट लिया है, मंदिर गया था हाथ कट गया, ये हो गया वो हो गया, बोल रहे लॉन्ग टर्म फेस हो रहा है। इफ आई प्लीज कृष्णा आई विल बी ब्लेस्ड, समझ रहे कि नहीं। रावण तेरे सिर पर कान नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दी है, इसलिए तूने ऐसा पाप कर दिया है। तुझे राम से वह भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। हाय, इस समय कहकर ही अपने बंधु बांधव सहित सफल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी सिराज की बृहस्पति होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही। तो इस प्रकार सीता विलाप करती है, और इस विलाप करते करते तो भगवान का शरण लेती रहती है। बाप आओ, सिराज बड़े बलवान है, वे मुझे परलोक में भी गई हुई जान ले तो तो यमराज के द्वारा अपहरण होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहां से लौटा लाएंगे। उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशेष विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गिरिराज जटायु को देखा। तो किसको देखी उन्होंने? जटायु। रावण के बस में पड़ जाने का सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वह दुख भरी वाणी से करुण कंदन करने लगी। आर्य जटायु, देखिए यह पापाचारी राक्षस अनाथ की भांति मुझे निर्दयता पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते क्योंकि यह बलवान है। क्योंकि क्या है? बलवान है, अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है, इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भी भरी हुई। आर्य जटायु, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है यह सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से जो का त्यो पूर्ण रूप से बता। तो बोले हो तो कुछ नहीं पाएगा, लेकिन आप तो रक्षा नहीं कर पाएगा, तो बूढ़े हो रही है जवान है, तो आप कृपा करके न्यूज किसको दे दीजिएगा? राम जी को एटलीस्ट न्यूज दे दीजिए। जटायु उस समय सो रहे थे, उसी अवस्था में उन्होंने सीता की वह करुण पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आँख खोलकर उन्होंने विदेह नंदिनी सीता तथा रावण को देखा। तो जटायु सो रहे थे, कैसे जागृत हुए? सीता माँ करुण। तो वैसे हम लोग भी भगवान को पुकारेंगे, भगवान हमारी रक्षा, जोर जोर से पुकारे, जब मतलब भगवान को पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।
राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। बारे में चर्चा करें, ध्यान से सुनिए। जटायु क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। लेकिन सीता की करुण पुकार सुन के वो जागृत हो गए। पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उसकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे बैठे रावण को लक्ष्य करकर यह शुभ वचन बोले। दसमुख रावण, मैं प्राचीन सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान गिरिराज, मेरा नाम जटायु है। भैया, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी, इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। वे उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्वी धर्म पत्नी है। इन सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिसे तुम हर कर ले जाने चाहते हो। अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है? महाबली रावण, राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है, उसे अपने आप से दूर हटा दो। बुद्धिमान वह कर्म न करे जिसकी दूसरे लोग निंदा करे। जैसे पराये पुरुषों के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्री की भी रक्षा करनी चाहिए। पुलत्स्य नंदन, जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है, ऐसे धर्म अर्थ अथवा काम का भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं। तो आप अगर गड़बड़ करेंगे तो सब लोग भी गड़बड़ करेगा, तो इसलिए आप गड़बड़ कृपा करते मत। राक्षस राज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है तो तुम इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया? समझ रहे? जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के घर में दीर्घ काल के बाद भी पुण्य का आवास। तो बोल रहे हैं कि जो आदमी बहुत कामी है वो सफल हो सकता है जीवन में। तो कैसे रावण सफल हो गया? क्योंकि उसने टेम्परली काम को विजय किया। समझ रहे हैं? उसने टेम्परली क्या किया था? काम पे विजय प्राप्त। समझ रहे हैं? 10,000 साल तक उसने क्या किया था? तपस्या। इसलिए जीवन में तपस्या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरु वैष्णव का संग। 10,000 साल तपस्या बनने बाद भी उसके अंदर और भोगों की वासना, गुरु वैष्णव का संग करता शायद उसका पोस्ट पोजिशन उसको बिल्डर। 10,000 साल तो बस तपस्या करके, समझ रहे, उसको माँ के पास गया, अपनी सौतेली माँ, अपनी माँ के पास। तो माँ ने बोला, देखो कुबेर के पास इतना, तुम्हारे पास कुछ है? कोई बात नहीं, मेरे पास इतना शक्ति, इसको हटा देंगे, अभी बन जाएगा। तो पावर था, लेकिन पावर का क्या किया? सो अचीविंग पावर, अचीविंग ग्रेट जॉब्स इज द यूजलेस। तो उससे कोई ज्यादा फायदा, बहुत बार जॉब भी हो क्या हो गया उससे? कुछ भी नहीं होता। समझ रहे? हम लोग एडवेंचरस ट्रेन में हैं, समझ रहे हम? कैसे नाम क्या नीचे एकदम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम। जटायु के बाद भगवान भी आते हैं, जटायु के बाद हम लोग गजब गए रस्ते में, चीते हुए ताकत।
जटायु के स्थान से जा रहे हैं। रावण ऐसे स्थान से क्यों गया? वो एयरप्लेन से जा रहा था, तो कहीं से भी जा सकता है। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते हैं, तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो? यदि पहले सूर्पनखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी घर का अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम्हें ठीक ठीक बताओ कि इसमें राम का क्या अपराध? सूर्पनखा सीता को मारना चाहिए, तो भगवान राम ने मार दिया, तो उसमें क्या गलती जिससे तुम जगदीश्वर की पत्नी को हर लेना चाहते हो? रावण, अब शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर डाले। जैसे इंद्र का वज्र वृत्रासुर का विनाश कर डाला है, उसी प्रकार श्री राम की रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डाले। तुमने अपने कपड़ों में विषधर सर्प को बांध लिया है। तुम्हें अपने कपड़ों में किसको बांध लिया? अगर आप क्या बोलते हैं, कुर्ता पहन रहे हैं या धोती पहन, उसमें क्या सांप है पहन ली होगा देवराज से कैसा होगा? खत्म हो गया। तो अपने कपड़े में सांप को मत बांधो। रामचंद्र तुम्हें जला के रस राख कर देंगे। तुमने अपने कपड़ों में विषधर सर्प को बांध लिया है, फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते हो। तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल ली है, फिर भी यह तुम्हें सूझ नहीं रहा है। सौम्य, पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए जो उसे शिथिल न कर दे। आदमी को बोले को सोना मिलेगा, क्या मिलेगा? सोना बता रहे, उतना ही सोना उठाना जितना हो डाइजेस्ट कर सके, समझ रहे? तो उठाते जा रहा, उठाते जा, बोले तुम्हारा ये ले लो, 50 किलो हो गया, 100 किलो हो गया, 500 किलो हो गया, हो गया 1 किलो सोना मतलब 1 करोड़, समझ रहे? 50 किलो सोना मतलब 50 करोड़, 500 किलो सोना मतलब, अरे पगलू मर जाएगा तो 1 किलो सोना मतलब 1 करोड़, 50 किलो सोना मतलब, इसके सर पे 50 किलो सोना, कितना का प्रॉपर्टी हो गया? 50 करोड़ का। जैसे 500 कर देंगे, समझ रहे? तो डोंट गो बाय लॉजिक, लॉजिक पे जाओगे तो फंस जाके, ये प्रैक्टिकल, समझ रहे? ज्यादा सोना करोगे तो फिर बोल्ड हो जाओगे। तो आदमी को उतना ही बोझा उठाना चाहिए जितना खा सके, और उतना ही अन्न भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच सके। प्रतिष्ठा का वैसा ही है, उतना ही मिलेगा जितना दूसरे हाथों से मिलने वाला, और जो 1-2 महीना पचा है उसका भी सेटलमेंट। जो कार्य करने से न तो धर्म होता हो, न कीर्ति बढ़ती हो, न ऐसा यश की प्राप्ति होती है, उल्टे शरीर को खेद हो जाता है, उस कर्म का अंदाज कौन करेगा? रावण, बाप दादों से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 वर्ष बीत गए। जटायु कितना साल से? बाप दादा से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे, अब मैं बूढ़ा हो गया। कितनी उम्र आपकी? 60,000 साल, बूढ़ा तो हुई। और तुम नवयुवक हो, मेरे पास कोई युद्ध का साधन नहीं है, और तुम्हारे पास धनुष कवच बाण तथा रथ सब कुछ है, फिर भी तुम सीता को लेकर कुशल पर नहीं जा सकते। मेरे देखते देखते तुम विदेह नंदनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह जैसे कोई न्याय संगत हेतुओं से सत्य सिद्ध हुई वैदिक श्रुति को अपनी युक्ति के बल पर पलट नहीं सकता। रावण, यदि सूरवीर हो तो युद्ध करो, आ जाओ, मेरे सामने 2 घड़ी थर्ट के दिखाओ। फिर जैसे पहले मर खर मारा गया था, उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सजा के लिए सो जाओ।
जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्यों और दानवों का वध किया है, वे चीर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्ध भूमि विनाश। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, वे दोनों रथपर बहुत दूर चले गए। नीच, यदि मैं उन्हें बुलाने जाऊँ तो तुम उन दोनों से भयभीत होकर शीघ्र ही भाग जाओगे, इसमें संशय नहीं है। कमल के समान नेत्र वाली ये सुलक्षणा सीता रामचंद्र की प्यारी पटरानी है, इन्हें मेरे जीते ही तुम नहीं ले जा सकोगे। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा राम तथा राजदशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। दशमुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल दो घड़ी तक रुक जाओ, फिर देखो। जैसे डंडल डंठल के फल गिरता है, उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिरा दूंगा। हाँ, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूंगा, तुम्हें भली भांति भेंट पूजा करूंगा। जटायु के ऐसा करने पर राक्षस रावण क्रोध से आंखें लाल किए अमर्ष में भरकर उस पक्षी राज की ओर दौड़ा। उस समय उसके कानों में तपाए सोने के कुंडल झलमला रहे थे। उस महासमर में उन दोनों का एक उसे भयंकर प्रकार युद्ध हुआ, मानो आकाश में वायु के उड़ाए गए दो मेघ खंड आपस में टकरा गए। उस समय ग्रीत और राक्षस में वो बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा, मानो दो पंखधारी बाल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ गए। क्या करा सागर, क्या बोला मैं, क्या हुआ अभी युद्ध, क्या युद्ध में हुआ अभी, हाँ क्या हुआ उसमें, दो घड़ी रुको, ऐसे कुछ वो तो 2 मिनट पहले का था, अभी क्या हुआ, अभी हुआ था। सुनो ध्यान से, ऐसा आने का जरूरत नहीं, वहीं पर खड़ा हो, कुछ मैं मर्डर उर्डर कर दिया तू इसमें जैसा लिखा वैसा ही करेगा, समझ रहे। इसमें लिखा दो माल्यवंत पहाड़ एक साथ, वहाँ की घी हरि बोल बोलेगा तो बताओ बोल हो जाएगा, आपका धाम दर्शक बढ़ जाएगा। पहला दिन निष्ठा में, 2 दिन में विकेट बोल, जैसे जटायु बोला आपका अतिथि सत्कार करूंगा, वैसे मेरा अतिथि सत्कार कर देगा अंतिम संस्कार के साथ, समझ रहे। रावण ने महाबली गिरिराज जटायु पर नाली नाराज तथा तीखे अग्र वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। पक्षीराज ग्रीड जाति जटायु ने युद्ध में रावण के उन 5 समूह तथा अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया, साथ ही उन महाबली पक्षी शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। तब रावण को गुस्सा गए, बड़ा शरीर काट रहा है तो मेरा, उसने 10 बाण हाथ में ले लिए जो काल दंड के समान भयंकर। महापराक्रमी रावण ने धनुष को पूर्वतः खींच कर छोड़े गए उन सीधे जाने वाले तीखे पहने और भयंकर बाणों द्वारा जिनके मुख पर शल्य लगे हुए थे गिरिराज को छत विछत कर दिया। जटायु ने देखा जनक नंदनी सीता राक्षस से रथ पर बैठी थी और नेत्रों से आंसू बहा रही है। उन्हें देखकर गिरिराज अपने शरीर में लगते हुए उन बाणों की परवाह न करकर सहसा उस राक्षस पर टूट पड़े। महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोटी बनियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। पंख काटने लगा तो उनका सब तोड़ दिया उन्होंने। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था, महा तेजस्वी पक्षीराज ने उसे भी पंख से ही मारकर छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात उस बलवान वीर ने समरंग में पिशाच के से मुख वाले उन वेगशाली गधों को भी जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे थे मार डाला। इतना खराब स्थिति में भी जटायु छोड़ दे रहे। जलंधर अग्नि की भांति दीप्तमान मणिमय सोपान से विचित्र रंगों वाली तथा इच्छा अनुसार चलने वाली उसके त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ दिया। इसके बाद पूर्ण चंद्रमा की भांति सुशोभित छत्र और चवर को भी उन्हें धारण
करने वाले राक्षसों के साथ एक प्रभात गिराया। महाबली त्रिशूलाचार्य ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी को के विशाल मस्तक को भी घर से अलग रथ चुन जाने से रावण को धरती पर पड़ा देख रथ चुन गया, रावण गिर गया। प्राणी लोगों ने साधु साधु वाह विधवस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देख रावण को बड़ा हर्ष हुआ और मैथिली को लिए हुए फिर आकाश से उड़ चला। जनक किशोर की गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नतापूर्वक जाने लगा उस समय उसके अन्य सब साधन नष्ट हो चुके थे किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी। उसे जाते देख महातेजस्वी गिरिराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोले, हे मंदबुद्धि रावण, इसके बाणों का स्पर्श वज्र के समान है। उन राम की धनपत्नी सीता को अवश्य राक्षसों के वध के लिए ही ले जा रहे हो। जैसे आप प्यासा मानो जल भी पी जल पी रहा हो उसी प्रकार तुम मित्र बंधु पत्नी सेवा सेना तथा परिवार से जब निष्पान कर रहे हो। अपने कर्मों का परिणाम न जानने वाले अज्ञानी जन जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे। रावण राम और लक्ष्मण दोनों भाई बड़े वीर हैं, वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए संपादजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम कायर और नरकों को तुमने जैसे लोक निंदित कर्म किया है या चोरों का वार किया, वीरपुर ऐसा वार का आश्रय नहीं लेते। यदि सुरवर हो तो दो घड़ी और ठहरो और मुझसे युद्ध करो, फिर तो तुम भी उसी प्रकार बनकर पृथ्वी पर सो जाओगे जैसे तुम्हारा भाई खर्च होया। विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है तुम्हें भी उसके अपने विनाश के लिए वैसे अधर्मपूर्ण कर्म को अपनाए। जिस कर्म को करने से कर्ता का पाप से पाप के फल से संबंध होता है उस कर्म को कौन पुरुष निश्चित रूप से कर सकता है। लोकपाल इंद्र तथा भगवान स्वयंभू भी वैसा कर्म नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम वचन न कर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दस्क्रीम की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा हो। नख पांच और चोंच हरी बोल जटायु धाम की जय। चलिए वहां पर जाके चर्चा करेंगे।